आइए अब हम बात करते हैं साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन की तरफ, जो कि बहुत अहम है और आपको बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिलेंगी, ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी जो मार्केट को साइकोग्राफिक की बुनियाद के ऊपर डिवाइड करती हैं। अब देखिए, थॉट हमें कहती है कि दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स बेस्ड ऑन सोशल क्लास, लाइफस्टाइल और पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स। यानी अगर आप सोशल क्लास, लाइफस्टाइल या पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर किसी मार्केट को डिवाइड करते हैं सेगमेंट्स में, तो इसको साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन कहते हैं। अगर आप गौर करें तो अपनी सोफिस्टिकेशन के अतबार से ये जियोग्राफिक और जो हमारी डेमोग्राफिक है, उन दोनों सेगमेंटेशंस के बाद आती है अपनी सोफिस्टिकेशन के लिहाज से। तो आप अगर गौर कीजिए, तीन वेरिएबल्स का यहाँ जिक्र किया गया है, सोशल क्लास, लाइफस्टाइल और पर्सनैलिटी। और आप, मैं ये जानता हूँ कि तीनों के बारे में हमने कंज्यूमर बिहेवियर का, जो कंज्यूमर बायर बिहेवियर का हमने टॉपिक पढ़ा था, उस सीरीज़ में हमने इनके बारे में तफसीलन गुफ्तगू की थी और मुझे उम्मीद है कि आप इनके बारे में जानते हैं। तो मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि आप ये करते हैं कि आप एक शहर में, किसी भी शहर में, आप किसी शहर ए को कह लें, हमारे कराची की बात कर लें। अब हमारे कराची को आपने सेलेक्ट किया है जियोग्राफिकली कि आप वहाँ पर ऑपरेट करेंगे। अब हमारे कराची के अंदर आप कहते हैं कि जी आपने साइकोग्राफिक वेरिएबल सोशल क्लास को इस्तेमाल करना है, तो आप कहते हैं कि जी कराची के अंदर ऑफकोर्स आपको लोअर क्लास के लोग भी मिलते हैं, मिडिल क्लास के लोग भी मिलते हैं और अपर क्लास के लोग भी मिलते हैं, तो आप कराची को साइकोग्राफिक यानी सोशल क्लास की बेस पर डिवाइड कर लेते हैं। ये साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन है। इसी तरह से आप लाइफस्टाइल के हवाले से भी और फिर पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखते हैं बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं, उन्होंने मार्केट, अपने जो ब्रांड्स होते हैं वो उनको कंपैटिबल बनाते हैं मुख्तलिफ पर्सनैलिटी टाइप्स के साथ, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे साइकोग्राफिक वेरिएबल्स हैं अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स। आपको नज़र आता है बहुत सारी बजट प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि आमतौर पर लोअर क्लास के लिए होती हैं, और बहुत सी हाई फीचर प्रोडक्ट्स होती हैं जो महंगी होती हैं, वो आमतौर पर अपर क्लास के लिए होती हैं, और कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो इनके दरमियान में हैं, जो आमतौर पर मिडिल क्लास के लिए होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन क्लियर हुई होगी। थैंक यू वेरी मच।